रामगढ़ के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव की खासियत यह रही कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग 1100 बच्चों ने भाग लिया था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रामगढ़ की उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, रामगढ़ के SDM जावेद हुसैन, डॉक्टर गुरुवंश सिंह मोगिया जो मोंगिया स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं, और कीर्ति गौरव शामिल रहीं। बच्चों ने अपने सुंदर सुंदर नृत्य और गायन से लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित किया। इसके साथ ही वहां पर कराटे के माध्यम से लोगों को जीवन कौशल के बारे में बताया। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता ने भी नृत्य में भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर बताया कि हमारी वेशभूषा, हमारी भाषाएँ अलग क्यों ना हो, पर हम सब एक हैं। इस एकता की प्रस्तुति के लिए पूरे देश भर के कई राज्यों के नृत्य नाटक को प्रस्तुत किया गया। झारखंड के नागपुरी नृत्य को भी प्रस्तुत किया गया, तो वहीं उड़ीसा के बिहू को भी प्रस्तुत किया गया। बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों के हाव भाव, बच्चों का बोल चाल का तरीका देख के लगता है कि वाकई बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा स्कूल है, इसमें कोई शक नहीं। Everybody was coming for fire.